ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, ये है एबीपी न्यूज, आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें मेरे यानी श्वेता शर्मा के साथ। पाकिस्तान ने कश्मीर में आज फिर सीज फायर तोड़ा और राजौरी सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सुरक्षा बल माकूल जवाब दे रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में सेना का एक जवान घायल हुआ है। यूपी विधानसभा में विस्फोटक कांड के बाद सुरक्षा में चूक का बड़ा खुलासा हुआ। यूपी असेंबली में लगे 100 में से 94 कैमरे काम नहीं कर रहे। यूपी एटीएस ने विधानसभा में मिले विस्फोटक को जांच के लिए फिर से दिल्ली के फोरेंसिक लैब भेज दिया है। इस मामले में 2 विधायकों समेत 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। महागठबंधन के बीच चल रही तकरार की वजह से बिहार में सरकार पर संकट बरकरार है। पटना में कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। नीतीश के ठीक बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी के नेम प्लेट को ढक दिया गया और बाद में नेम प्लेट को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की समस्या को लेकर अब सीधे तौर पर चीन का नाम लिया है। उन्होंने कहा, कश्मीर की समस्या कानून व्यवस्था की नहीं है, हम विदेशी ताकतों से लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वीकारा कि कश्मीर के मसलों पर अब चीन भी दखल देने लगा है, यहाँ के हालात को बिगाड़ने के लिए हमला हुआ था। सीएम ने कहा कि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते, पूरे मुल्क का साथ चाहिए। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से आज आधा लक्ष्य हासिल कर लिया गया। गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की इस योजना के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।